डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर टू का अध्ययन करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड से रिलेटेड है। इसमें देखते हैं इसके बारे में, ये चैप्टर टू है। इससे पहले आपको चैप्टर वन पढ़ा दिया गया। चैप्टर टू, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, के बारे में आपको बता देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड से आशय है कि वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। यह ग्रामर का तथा इंग्लिश राइटिंग का मूलभूत नियम, फंडामेंटल रूल है। दूसरे शब्दों में से एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट भी कहते हैं। स्पष्टीकरण, इसको स्पष्ट कर देते हैं। वर्ब का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ध्यान दें, सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ही के साथ जो वर्ब आता है, सी के साथ भी वही वर्ब आएगा। बॉय के साथ जो वर्ब आता है, गर्ल के साथ भी वही वर्ब आएगा। राजेश के साथ जो वर्ब आता है, विमला के साथ भी वही आएगा। इसका मीन्स ये है कि सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देख लेते हैं सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब्स, गोल्डन रूल्स। इसके गोल्डन रूल्स हैं, वो आपको समझा देते हैं। रूल नंबर वन, सिंगुलर की स्पेलिंग का प्रथम अक्षर एस याद रखो। जिस वर्ब के अंत में एस अथवा ई एस हो तो वह सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज। ध्यान दें, सभी के अंत में एस है। प्लेज, ईट्स, राइट्स, गोज, टच। हंदे, सभी के अंत में एस या ई एस है। जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस नहीं हो वह प्लूरल वर्ब है, जैसे आर, वर, है। ध्यान दे, यदि किसी के अंत में एस या अथवा ई एस नहीं है। प्ले, ईट, राइट, गो, डू। ध्यान दे, किसी के अंत में एस अथवा ई एस नहीं है। विशेष, सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग मुख्यतः प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, जैसे वेंट, ये है पास्ट टेंस व फ्यूचर टेंस में ऐसा अंतर नहीं है। अर्थात इस टेंसेज में सभी वर्ब्स सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी है, जैसे वेंट, रोट, प्लेड, विल गो, शैल गो, विल प्ले। रूल नंबर थर्ड, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही के लिए ही, सी, इट, बॉय, चेयर, राजू, सीता। प्लूरल सब्जेक्ट हैं वी, यू, हमेशा प्लूरल, यू हमेशा प्लूरल होता है। दे, बॉयज, चेयर, बुक्स, गर्ल्स। अगला पेज है, उसके बाद में अपन देख लेते हैं। ध्यान से समझो कि रूल नंबर थ्री का उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण। नीचे एस एस का अर्थ है सिंगुलर सब्जेक्ट, एस वी का अर्थ है सिंगुलर वर्ब, पी एस का अर्थ है प्लूरल सब्जेक्ट, और पी वी का अर्थ है प्लूरल वर्ब। इसको कुछ वाक्य आपको बता देते हैं क्या इनकरेक्ट है और कौन सी करेक्ट है। जैसे ही गो, ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में गो दे रखी है जो प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। इसमें सही होगा ही गोज, क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें
वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। गोज, यू गोज, यू के साथ गोज लग रहा है जो रॉन्ग है, यू के साथ गो ही आएगा। वी प्लेज रॉन्ग है तो वी प्ले हो जाएगा। सीता ईट ईट्स, जबकि ईट्स होना चाहिए। दे रन्स तो रन्स नहीं आएगा, दे रन आएगा। बॉयज प्लुरल हो गया तो ब्लेज नहीं आएगा, ओनली प्ले आएगा। इस प्रकार से विशेष, आई की स्थिति विशिष्ट है, इसे प्लुरल सब्जेक्ट की तरह व्यवहार में लिया जाता है। टेंस के अनुसार आई के साथ एम, वाज, सेल का प्रयोग होता है। आई एम प्रेजेंट टेंस में तो एम लगता है आई के साथ, पास्ट में आई के साथ वाज लगता है, और फ्यूचर में आई के साथ सेल लगता है। और यदि इसको प्लुरल में भी इसका प्रयोग होता है, आई के साथ हैव भी लगता है और आई के साथ प्ले लगता है। अब एक्सरसाइज आपको दी जा रही हैं, इसमें आगे सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट्स के आगे कोष्टक में दो वर्ब दिए हैं जिनमें एक वर्ब गलत है, करेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट के हिसाब से सामने दिए हुए कोष्टक में टू वर्ब्स दी गई हैं, उनमें से एक सही है। जैसे टीचर है, टीचर के साथ टीचे जाएगा। सीता एकवचन है तो स्लीप्स। बॉयज बहुवचन हो गया तो इसके साथ रन आएगा। आई के साथ एम। सी गोज, राजू रीड्स, ही रन्स। यू के साथ ईट। गोपाल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लेज। गर्ल्स सिंग, गर्ल्स एस लग गया तो बहुवचन हो गया, प्लुरल हो गया। वी के साथ आर। यू वर। दे कुक और दे रन। इस प्रकार आगे वाला देख लेते हैं। सी के साथ मैक्स क्योंकि सिंगुलर है। यू स्लीप, गर्ल्स स्पीक्स, वोमेन मेन है, एक है वोमेन तो ई जाएगा। चिल्ड्रन आर। दर दे मेक। आई स्लीप, गर्ल स्पीक, वोमेन मेन आ गया, एम ई एम बहुवचन प्लुरल हो गया तो वर आएगा। चाइल्ड वन एक सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ई जाएगा। इनके आंसर दे दिए और मैंने आपको समझा भी दिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी अन्य गोल्डन रूल्स। रूल नंबर वन, जब दो अथवा दो से अधिक अलग अलग राउंड्स के बीच एंड होता है तो प्लुरल वर्ब आर, वर, हैव का प्रयोग करते हैं। यदि बीच में एंड का प्रयोग है तो ये समझ लो कि वो सब्जेक्ट प्लुरल है, उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसी प्रकार देख लेते हैं। राम एंड मोहन आर प्लेइंग। इसी प्रकार रूल नंबर टू, इसी प्रकार जब दो प्रोनाउंस के बीच में अथवा एक नाउन व प्रोनाउन के बीच में एंड होता है तो भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग आर, वर, हैव का प्रयोग होता है। जैसे ही एंड आई दोनों हो गए तो आर प्लेइंग हो गए, वह और मैं दो हो गए, आई एंड सी वही वर डांसिंग। रूल नंबर थ्री, यदि वाक्य में दो नाउंस के बीच में एंड हो, दो नाउंस के बीच में एंड के पहले जो नाउंस है उसमें तो कोई आर्टिकल ए, एन अथवा दा दिया होता है, लेकिन एंड के तुरंत बाद वाले नाउन में यदि कोई आर्टिकल दिया हो सकता है अथवा नहीं भी दिया हो सकता। जैसे द टीचर एंड पोइट कमिंग, एंड के पहले द टीचर है लेकिन एंड के बाद पोइट है, इसके बाद कोई आर्टिकल नहीं है। द टीचर एंड पोइट कमिंग, एंड के बाद द पोइट है। यदि एंड के बाद आर्टिकल नहीं है तो सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज आएगा। टीचर एंड पोइट कमिंग, द टीचर एंड पोइट इज कमिंग।
एंड के बाद आर्टिकल हो तो प्लुरल वर्ब आएगा, जैसे टीचर एंड द पोइट कमिंग। यदि एक ही आर्टिकल हो तो व्यक्ति अथवा वस्तु एक ही होता है तथा सिंगुलर वर्ब आएगा। यदि दो अथवा दो से अधिक आर्टिकल हों तो दो से अधिक वस्तुएं व्यक्ति अथवा वस्तुएं हैं, इसलिए प्लुरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल्स, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट सिटिंग इज सिटिंग। इस प्रकार द मास्टर टीचर्स एंड क्लर्क्स इज वर्किंग, एक ही व्यक्ति हैं। इसके बाद आगे ऑल मेनी बोथ रूल नंबर 4, सेवरल फ्यू ए फ्यू तथा द फ्यू बहुवचन प्लूरल का बोध कराते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल प्ले फुटबॉल, लेकिन मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मैनी ए मैन, मैनी ए पेन इज गुड, मैनी ए आ गया। मच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे, देयर इज मच वाटर, मच सिंगुलर आता है। निम्नलिखित रूल नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अच्छा, ईच है, एवरी है, एवरी बॉडी, आइदर, नाइदर, नन, नो, वन, द, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ध्यान दें, ईच मैन तथा ईच वोमेन के बीच में यदि भी एंड है किंतु ईच डालता है तो सिंगुलर वर्ब वाज ही आएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल दोनों प्रत्येक हो गई अलग अलग। तो इस प्रकार से रूल नंबर 7, यदि वाक्य में नाइदर नोर हो और नोर के तुरंत बाद वाले शब्द सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। नाइदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर वाज स्लीपिंग, अगला जो है उसके हिसाब से आएगा। इस प्रकार इस चैप्टर में रूल नंबर 7 तक को समझा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, ओके।